हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर अपने बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद मेरा नाम गुरशरण सिंह है और आप मुझे जीएस राय नाम से जानते होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से मुझे जानते हैं, जो लोग नहीं जानते वो अब जान जाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक नई लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में आपको जो है पंजाब के बारे में कंप्लीट जीके करवाई जाएगी। पंजाब के जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। इसके अंदर आपको सारी चीजें, आपने बहुत सारे लेक्चर सुने होंगे, यूट्यूब पे देखे होंगे या फिर किसी ने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा हो, कुछ भी किया हो, लेकिन उनके अलावा आपको ये लेक्चर सीरीज फिर भी बहुत बेनिफिट पहुंचाएगी। पहली चीज, आपको कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। दूसरा, आपको सारी चीजें यहाँ पर रिवाइज और याद करवाई जाएंगी। तो इसलिए वीडियो लेक्चर्स को कंटिन्यू देखते रहिए। फर्स्ट टाइम है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं पंजाब जीके को। आप सबने सुना होगा कि पंजाब का जो क्रिएशन है, पंजाब कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। तो ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी पढ़ते हैं, सारी चीजें पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में पंजाब की फॉर्मेशन 1966 में हुई थी? तो नहीं फ्रेंड्स, पंजाब के बारे में महाभारत एपिक आपने पढ़ा होगा या किसी ने सुना होगा महाभारत के बारे में, हिस्ट्री में सुनते हो महाभारत के बारे में, तो महाभारत के अंदर पंजाब के बारे में मेंशन किया हुआ है। उसके अलावा जो है इब्न बतूता की जो राइटिंग्स हैं, आपको पता है इब्न बतूता फॉरनर जो था, यहाँ पे आया था, विजिटर था, उसने विजिट किए थे यहाँ पर। इब्न बतूता ने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, तो उन्होंने बुक्स के अंदर भी पंजाब का जिक्र किया था, वो भी उनकी राइटिंग में आज भी दर्ज है। उसके बाद यहाँ पर जो है और काफी जो अकबर आया था और काफी जो आए थे यहाँ पर, सभी ने पंजाब के बारे में जिक्र किया, और जितने भी राइटिंग्स मिलती हैं आपको जो हिस्ट्री में, उन सभी में पंजाब का जिक्र है। तो आज हम इसी तरह से क्रम में पढ़ेंगे, सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, पंजाब के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। चलिए शुरू करते हैं एंशियंट हिस्ट्री ऑफ पंजाब। तो एंशियंट हिस्ट्री को पहले हमने दो भागों में तोड़ दिया है। पहला प्री हिस्टोरिक पंजाब, दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक पंजाब। प्री हिस्ट्री में आपको जो है स्टोन एज के बारे में पता चलेगा, जिन चीजों का कोई भी इतिहास रिटन फॉर्म में नहीं है, तो वो यहाँ पर आप प्री हिस्ट्री में पढ़ेंगे। सिर्फ स्टोन एज से पता करते हो कि उस टाइम पे क्या चीजें थी, क्या चीजें अवेलेबल नहीं थी, तो उसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, पहली प्री हिस्टोरिक पंजाब, दूसरी प्रोटो हिस्टोरिक पंजाब। तो आपको साथ साथ चीजें याद भी करते रहना है और रिवाइज भी करते रहना है। ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा, तो ध्यान से आप बस पेशेंस रखिए और लेक्चर को कंप्लीट सुना कीजिए। अब देखिए, प्री हिस्टोरिक पंजाब को हमने, जो प्री हिस्ट्री है पंजाब की, उसको आगे तीन भागों में हमने डिवाइड कर लिया। किस तरह से? पहली पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज को दूसरा नाम क्या है? ओल्ड स्टोन एज। सबसे पुरानी कौन सी? यहाँ पर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री इज एंशियंट हिस्ट्री में, मतलब सबसे पुराना कौन सा है, तो पता होना चाहिए ओल्ड स्टोन एज या फिर पैलियोलिथिक एज। सबसे पुरानी पैलियोलिथिक एज, उसके बाद मिजोलिथिक एज जिसको कि मिडिल स्टोन एज बोलते हैं, ओल्ड और न्यू के बीच में जो है उसको मिडिल कहते हैं। सबसे नंबर वन पैलियोलिथिक, दूसरे नंबर पे मिजोलिथिक, तीसरे नंबर पे न्योलिथिक एज। अब तीनों चीजों में मिला क्या क्या हमें? पैलियोलिथिक किसको बोलते हैं? ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। बैकग्राउंड में किस तरह से पैलियोलिथिक एज में क्या होता था? सिर्फ और सिर्फ अपना फूड जो है, खाने के लिए फूड लेते थे, जैसे कि उन्होंने क्या, स्टोन से, विद द हेल्प ऑफ स्टोन, पत्थर की हेल्प से उन्होंने किसी का शिकार किया, शिकार करने के बाद अपना खा लेते थे, बस उनको किसी चीज से मतलब नहीं था, स्टोरेज से मतलब नहीं था, वो पत्थर भी फेंक देते थे फिर नया पत्थर उठा लेते थे। तो ये थी पैलियोलिथिक एज, अपने खाने पर निर्भर, खाना अपना इकट्ठा खाया और खा के अपना बस अपनी दिनचर्या चलाई, और कुछ इनको मतलब नहीं था। ये थी ओल्ड स्टोन एज। पत्थर भी बड़े बड़े होते थे, जो मीट कटिंग है या शिकार करते थे या फ्रूट्स जो थे कट करते थे, वो पत्थर की हेल्प से करते थे, ये पैलोलिथिक एज के अंदर। उसके बाद है मिजोलिथिक एज। मिजोलिथिक एज के अंदर इन्होंने क्या किया, जो पत्थर की शेप थी वो थोड़ी सी छोटी हो गई और पत्थर को इन्होंने एक शेप के अंदर लेने लग गए। शेप के अंदर मतलब पत्थर को आगे से नुकीला कर लिया, या पत्थर को तोड़ के एक पत्थर की हेल्प से दूसरे पत्थर को तोड़ के उसको शेप देने लगे। तो थोड़े से जो इनके यहाँ पर औजार थे, जो इनके हथियार थे, वो थोड़े से यहाँ पर शार्प हो गए, तो इसको मेजोलिथिक एज के अंदर ये चेंज आए थे। नेक्स्ट है नियोलिथिक एज। ये है न्यू स्टोन एज। इसके अंदर क्या हुआ, नियोलिथिक एज में स्टोन प्लस वुड, ये दोनों चीजों का इन्होंने क्या किया, मतलब मिक्सचर कर लिया। अब वुड जो लकड़ी से उसका स्टोन का दस्ता बना लेते थे,
रास्ता बनाने से ही इन्होंने औजार बनाने शुरू कर दिए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इन्होंने औजार बनाए और वो शिकार के लिए ये यूज में लेने लगे। और यहाँ पर हंटर और गैदरर हो गए थे, मतलब फूड इकट्ठा भी करते थे और खाते भी थे। शिकार तो करते ही थे, यहाँ पर शिकार करते थे, यहाँ सबसे पहले यहाँ पर भी शिकार करते, लेकिन यहाँ पर शिकार भी करते थे और फूड इकट्ठा भी करते थे, गैदरर भी हो गए थे। तो ये तीनों चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पैलोलिथिक एज में हमें जो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। अब मैंने आपको ये जो बताया ये तो आपके मेंस में काम आ सकता है, प्रीलिम्स में कैसे कैसे। प्रीलिम्स में आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको फैक्ट्स मैं यहाँ पर लिखवा दूंगा, आपको बुक में मिल जाएंगे या फिर नोटबुक के अंदर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करना फ्रेंड्स आपकी जिम्मेवारी है, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, या फिर सबसे अच्छा तरीका है एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए। वीडियो को देखने के बाद उसके बाद आप इसको वीडियो को दोबारा से देखिए और जो नोट करने की चीजें हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद एक बार बुक से जरूर पढ़िए, मैं यहाँ पर आपको पढ़ा दूंगा, नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन फिर भी एक बार बुक जरूर पढ़िए क्योंकि बुक से आपकी जो समझ अच्छी तरह डेवलप हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक एज के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पैलियोलिथिक एज के अंदर जो तीन साइट्स थी, पहले तीन साइट्स के नाम देख लीजिए, साल्ट रेंज, कोहली और ढोकगुल। नाम याद रखिए, साल्ट रेंज, कोहली, ढोकगुल। तो ये कहाँ पर है, ये पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट है। ये तीन पैलियोलिथिक साइट्स हैं जो पाकिस्तान में प्रेजेंट है। क्वेश्चन में पूछा नहीं जा सकता, लेकिन कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैलियोलिथिक साइट इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया। तो ये तीन है जो पाकिस्तान के अंदर है, साल्ट रेंज, सबसे पहली साल्ट रेंज, दूसरी कोहली, तीसरी ढोकगुल। याद रखेंगे आप तीनों को, नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब ये तो हो गई पाकिस्तान वाली, अब जो इंडियन पंजाब है उसके अंदर कौन कौन सी साइट्स हैं ये तो हमें अच्छे से याद होना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया। तो ये सारी हैं जो इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, हमें इनके नाम याद रखने हैं, इनको आप दो तीन बार पढ़ेंगे याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसको याद करते हैं। सबसे पहला है होशियारपुर, ये इंडिया के अंदर है, पंजाब साइट, दौलतपुर, ढोलबाहा, ढेर माजरा, उसके बाद है धांग, ढाडी, मेहरनवाला, नालागढ़, पिरहान, खोखरा का चोआ, भुट और रामपुरा एंड सिरसा। तो किसी के माइंड में आ रहा हो कि सर सिरसा तो हरियाणा में है, अगर किसी ने थोड़ा सा पढ़ा हो, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है, आपने यहाँ पर पढ़ा होगा कि पैलियोलिथिक एज किया, उस टाइम सिरसा पंजाब के अंदर था। याद रखेंगे, फिर से पहले तीन को याद करो, होशियारपुर, दौलतपुर, ढोलबाहा। फिर से पढ़िए, होशियारपुर, दौलतपुर, ढोलबाहा। अब नेक्स्ट तीन को पढ़ो, धेर माजरा, धांग, ढाडी। धेर माजरा, धेर माजरा, धांग और ढाडी। नेक्स्ट है मेरहनवाला, नालागढ़, पिरथान, खोखरा का चोआ, भुट, रामपुरा एंड सिरसा। तो आप इसको दो से तीन बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, इसको नोट डाउन भी कर लीजिए क्योंकि एग्जामिनर आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है। तो ये कुछ साइट्स हैं जो इंडियन पंजाब के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट पार्ट आता है मेजोलिथिक एज के अंदर। तो मेजोलिथिक एज के अंदर कोई साइट है इंडिया के अंदर? नहीं, नो साइट इन इंडियन पंजाब। तो इंडिया का पंजाब है, यहाँ पर मेजोलिथिक एज में कोई साइट नहीं है, मतलब आपका काम थोड़ा आसान हो गया, आपको यहाँ पर याद नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जो एक साइट है जो M1, जिसको माही वाला वन कहते हैं, ये पाकिस्तान के पंजाब में प्रेजेंट है। तो कई बार एग्जामिनर पूछ सकता है कि M1 मेजोलिथिक, M1 माही वाला वन प्रेजेंट इन विच प्लेस, पाकिस्तान या इंडिया। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रहना चाहिए कि माही वाला सर ने पढ़ाया था, ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शन वहां पर आपको ऐसा लगे कि ये चीजें सर ने हमें बताई नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, न्योलिथिक एज। अब न्योलिथिक एज के बारे में बात करते हैं, तो न्योलिथिक एज में एक ही जगह है, वो है बैन गंगा वैली। इसकी ये कब पता चला था इसका, 1963 में। बैन गंगा वैली कहाँ पर है? रोर एंड दिब्बर इन ब्यास, तो ब्यास में है, रोर एंड दिब्बर के पास। याद रखेंगे बैन गंगा वैली 1963, तो 1963 जरूर याद रखना है। कई बार मैच द फॉलोइंग में ये कंफ्यूजन कर सकता है आपको कि बैन गंगा वैली कब था, 1963 था या फिर 1953 था। तो ये 1963 बार बार इसको पढ़िए, याद कीजिए। अब प्री हिस्ट्री के बारे में हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी वो हमने जान ली है, अब चलते हैं हम प्रोटो हिस्ट्री की तरफ। अब प्रोटो हिस्ट्री में हम आगे देखते हैं किस तरह से प्रोटो हिस्ट्री पंजाब की बढ़ती जाती है आगे, जैसे हम क्रमानुसार पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप याद करते जाना और एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। चलिए देखिए,
कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय मैन। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, अगर आपने इंडियन हिस्ट्री कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने इंडियन हिस्ट्री नहीं की तो इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर मैं आपको अलग से दे दूंगा। अगर मैं इंडियन और पंजाब की हिस्ट्री मिक्स कर दूंगा तो फिर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी और आपको जो है याद करने में और याद रखने में परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको वही चीजें करवाऊंगा जो पंजाब की हिस्ट्री से रिलेटेड है। इंडियन हिस्ट्री में आपको अलग लेक्चर सीरीज अभी जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूंगा। जल्दी यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री के जो लेक्चर सीरीज है फिर से शुरू होने वाली है, और अगर किसी को जल्दी है, किसी का कोई जल्दी एग्जाम है, तो इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जनरल स्टडीज के कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, वो भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए फिर से देखते हैं। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय मैन। तो कॉपर डिस्कवर किया और कॉपर का ही यूज किया, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इन नॉर्दर्न इंडिया स्टोन एज के बाद कौन सी एज आ गई थी? कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज। तो नॉर्दर्न इंडिया स्टोन एज वाज सुसीडेड बाय कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज। तो नॉर्दर्न इंडिया में कॉपर और ब्रॉन्ज एज आ गई थी। दूसरी तरफ इन साउदर्न इंडिया, जो सदर्न इंडिया है, उसमें स्टोन एज वाज सुसीडेड बाय आयरन एज। तो याद रखेंगे आप इसको, नॉर्दर्न इंडिया में कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज और सदर्न इंडिया में आयरन एज। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर सकते हैं आप। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं हरप्पन सिविलाइजेशन की तरफ। अब आपने देख लिया कि पोस्ट हड़प हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, पोस्ट पंजाब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो अब उसके बाद हम हरप्पन साइट्स की तरफ चलते हैं, हरप्पन सिविलाइजेशन की तरफ चलते हैं। तो अब हरप्पन सिविलाइजेशन में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजें याद करनी है, ये मैं आपको अच्छे से यहाँ पर बता देता हूँ। और आज हम क्या क्या पढ़ेंगे वो भी यहाँ पर मैं आपको साइट्स के बारे में बता रहा हूँ। चलिए देखिए, हरप्पन सिविलाइजेशन तो ही बिलोंग्स टू ब्रॉन्ज एज, तो इसका दूसरा नाम क्या है? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। एग्जामिनर पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो जो हरप्पन सिविलाइजेशन है उसका दूसरा नाम क्या है? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट्स। चलिए इंपॉर्टेंट साइट्स से पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको पता है कि जो हरप्पा की एक्सकेवेटर थी, खुदाई थी, किसने करवाई थी? डी आर साहनी ने। आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा डी आर साहनी के बारे में, 1921, वो भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। 1921 में खुदाई शुरू करवाई थी हरप्पन सिविलाइजेशन की, तो वो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन अब हम पंजाब से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो चलिए जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं पंजाब में फाइंड आउट की गई थी, एक्सकेवेटेड की गई थी, वो कौन कौन सी हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट साइट है रूपनगर, ये फर्स्ट हरप्पन सिविलाइजेशन साइट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। 1952-53 में इसको एक्सकेवेट किया गया था ऑन बैंक ऑफ सतलुज रिवर। याद रखेंगे रूपनगर जो है सतलुज रिवर के बैंक पर है, और किसने इसकी जो एक्सकेवेशन करवाई थी? वाई डी शर्मा। वाई डी शर्मा नाम याद रखेंगे, 1952-53 याद रखेंगे, और बैंक ऑफ सतलुज रिवर। तो आपको रूपनगर के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। फिर से देखिए, रूपनगर 1952-53, बैंक ऑफ सतलुज रिवर और वाई डी शर्मा। चलिए याद हो गया आपको। अब आपको ये याद रखना है कि रूपनगर से कौन कौन से रिमेन्स आपको प्राप्त हुए थे? अर्थनवेयर, सील्स, बेड्स और बैंगल्स। चार चीजें मिली थी, कौन कौन सी? अर्थनवेयर, सील्स, बेड्स और बैंगल्स। चलिए नेक्स्ट। अब ये तो रूपनगर एक जगह का नाम होगा, अब रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में कुछ और जगह है, कुछ और साइट्स थी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स, वो कौन कौन सी साइट है? देख लीजिए, कोटला निहंग खान, कोटला निहंग खान, धेर माजरा और बाड़ा, तीन है। एक तो रूपनगर इटसेल्फ हो गई, और रूपनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तीन और साइट्स हैं, कोटला निहंग खान, धेर माजरा और बाड़ा, ये तीन साइट्स हो गई, इसको याद रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है रोहिरा। रोहिरा किस डिस्ट्रिक्ट में है? संगरूर डिस्ट्रिक्ट में, याद रखेंगे रोहिरा संगरूर। अब आप सोच रहे हो कि सर आप ये डिस्ट्रिक्ट साथ में क्यों बता रहे हो, सीधे साइट्स के नाम बता दो। एग्जामिनर आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो रूपनगर के सामने आपको दे देगा कोटला निहंग खान, रूपनगर, रोहिरा, संगरूर, संगोल, फतेहगढ़ साहिब, तो इस तरह से आपको कुछ तीन चार नाम देके कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए रोहिरा किस डिस्ट्रिक्ट में है? संगरूर। वहां पर क्या क्या प्राप्त हुआ आपको? बेंगल पीसेस एंड बोन स्टाइली।
अब आपके माइंड में, किसी के माइंड में आ रहा है कि बोन स्टाइली का क्या मतलब है, तो बोन स्टाइली प्राप्त हुई थी मतलब उन्होंने जो है किसी ना किसी लिपि की खोज करनी शुरू कर दी थी और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। तो रोहिड़ा से हमें बेंगल पीसेस और बोन स्टाइली प्राप्त हुई है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लिए। बोन स्टाइली कहाँ से मिली हमें, तो ये रोहिड़ा संगरूर से। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए संगौल, संगौल किस डिस्ट्रिक्ट में है, फतेहगढ़ साहिब, याद रखेंगे फतेहगढ़ साहिब। क्या क्या रिमेन्स मिले हैं, पोटरी एंड ए वैरायटी ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स। तो कॉपर ऑब्जेक्ट्स कहाँ से मिले, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ए वैरायटी ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स फाउंड फ्रॉम कहाँ से मिले हैं, संगोल फतेहगढ़ साहिब। वहां पर संगोल भी दिया हो सकता है और फतेहगढ़ साहिब भी दिया हो सकता है, तो आप याद रखेंगे दोनों चीजों को। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, सनेट, सनेट याद रखना है, सनेट सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बाद है रूपनगर। सनेट कहाँ पर है, लुधियाना के अंदर, लार्ज सिटी इन एंशियंट टाइम। तो एंशियंट टाइम की सबसे बड़ी सिटी कौन सी थी, सनेट। वहां पर कौन कौन से रिमेन्स मिले हैं, सील्स, क्वाइंस, क्वाइन मॉल्ट्स, और उसके बाद ह्यूमन एंड एनिमल फिगर इन टेराकोटा। तो टेराकोटा पर ह्यूमन और एनिमल के फिगर्स बने हुए मिले हैं, कहाँ से मिले हैं ये, सनेट से। फिर से थोड़ी सी मैं आपको रिविजन करवा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स थी, रूपनगर 1952-53, और रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में कोटा, निहंग खान, धीर माजरा, भाड़ा। नेक्स्ट है रोहिड़ा, कहाँ पर आई है, संगरूर में, यहाँ पे बोन स्टाइली प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है संगोल, संगोल कहाँ है, फतेहगढ़ साहिब में। और इसके बाद सनेट, लार्जेस्ट सिटी कहाँ पर है, लुधियाना के अंदर है, और यहाँ से जो एनिमल एंड ह्यूमन फिगर एंड टेराकोटा प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारा आज का तो इम्पोर्टेंट लेक्चर था, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। फ्रेंड्स चीजों को समझना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है कि चीजें समझ में आ गई और आपको मतलब कि एग्जाम पास हो जाएगा, नहीं, एग्जाम क्लियर करना है तो चीजों को समझो, समझने के बाद उनको नोट डाउन करो, नोट डाउन करने के बाद उनको रिवाइज करो, जब आप रिवाइज करेंगे उसके बाद जाकर आपको जो है एग्जाम में क्लियर होने के काफी अच्छे आपके चांसेस बन जाएंगे। इसके बाद एंशियंट हिस्ट्री पे एक और लेक्चर आएगा, उसके अंदर हम जो करेंगे कि जो आर्यन आए थे, आर्यन के बाद पंजाब में मौर्यंस आए थे, मौर्यंस के बाद गुप्ता एज, वर्धान एज या मुस्लिम इन्वेजन हुआ, तो हम सारी चीजें एक लेक्चर में कवर करेंगे। दो लेक्चर्स के बाद मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का एक लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे आपकी जो है जितनी भी मैंने चीजें करवाई थी उनकी एक समझ बन जाएगी, एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, ये चीजें मैंने पढ़ी हैं और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आने लगी होंगी, और अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां पर आपको चीजें और भी अच्छे से क्लियर की गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दी होती है, वहां पे आप डिटेल चेक कर सकते हैं। लेक्चर कैसा लगा हो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, आपके कमेंट से हमें पता चलेगा, आपके फीडबैक से हमें पता चलेगा कि हमें क्या क्या सुधार करने हैं लेक्चर में, और किस तरह से हम आपके लिए और बेहतर और अच्छी चीजें लेकर आ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर करना, ताकि लोगों तक अवेयरनेस फैल सके कि हम यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ हो।